Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस के अंदर क्या होगा? प्रैक्टिस के अंदर होगा आपका ऐसे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वो वाले सारे, और साथ साथ यहाँ पर हम आपकी बिल्डअप करेंगे क्रिटिकल अप्रोच को एंड आर्गुमेंट बिल्डिंग जो अप्रोच है उसको. तो ये सारे के सारे काम जो हैं इस एडिटोरियल का एनालिसिस करते करते हम आपका जो है ये सारी चीज़ें जो है इनको डेवलप करेंगे. एंड टुडे इज 1st of January 2024. जो ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला पेज, और इस लेक्चर के अंदर हम 1, 2 एंड 3 ये जो तीन एडिटोरियल्स हैं इनका एनालिसिस करेंगे, और अल्टीमेटली जो मैंने भी बताया है पिछली स्लाइड में वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम क्या करेंगे उनको देखेंगे, और किस कहां कहां पर ये जो डाटा है हमारे काम आ सकता है वो सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन की जाएंगी. देन जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ओपिनियंस का, और अल्टीमेटली इन ओपिनियंस के अंदर भी ये चार ओपिनियन हैं, और इन चार को आप कह सकते हैं कि ये एक एक किस्म के चार ऐसे ही होते हैं आपके, और डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं इन डिफरेंट डिमेंशंस. और इस लेक्चर का जो है इस लेक्चर के लिए आपको आप क्या है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी. इससे पहले ऑलमोस्ट 100+ लेक्चर जो हैं वो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं. जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं दे नो वेल, जो नए स्टूडेंट हैं वो जो है इससे पहले अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले देखना चाहें तो वो उन लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं. अगर उनको लगता है कि वाकई इनका जो है लेक्चर जो है काम के हैं देन दे मूव टुवर्ड रजिस्ट्रेशन. अच्छा जी, अब रजिस्ट्रेशन में क्या है कि व्हाट्सएप नंबर है ये वाला, और इसको 0325 लिखें और आगे कनेक्ट, जस्ट कनेक्ट जो है उससे आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये नंबर लिख लें या कनेक्ट टाइप कर लें. अब इसके अंदर जो था वैसे तो 2024 के लिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें प्लान की हुई थी, लेकिन कुछ मेरे हेल्थ का भी इशू था जिसकी वजह से प्रीवियस एक दो लेक्चर जो हैं वो मिस भी हुए हैं, उनको मैं टाइमली जो है डिलीवर नहीं कर पाया. लेकिन अभी जो सारी के सारी जो हमारी अप्रोच थी वो यही थी कि कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए, और अभी जो हमारे नए स्टूडेंट्स जो 2025 में जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उनके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है दो चीज़ों को. एक तो है डॉन ओपिनियंस का एनालिसिस, यहाँ पर हम उनकी क्या करेंगे जो उनके आइडियाज़ हैं उनकी मेजोरिटी पर काम करेंगे और आर्गुमेंट बिल्डिंग पे काम करेंगे, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ होगी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस जिसके हम उनको हर मंथली जो है 15-20 ऐसे शॉर्ट ऐसे जो हैं वो लिखने के लिए दिए जाएंगे. वो ऐसेज को क्या करेंगे लिखेंगे और हम लोग को सेंड करेंगे, और उसके बाद उसकी एवेल्यूएशन करके उनकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है जो राइटिंग स्किल्स है उनके ऊपर वर्किंग की जाएगी ताकि उनकी राइटिंग स्किल जो है वो बेहतर हो सके, इस लेवल की हो सके कि वो अपना जो आइडिया है उसको कन्वे कर सके इन अ गुड इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये दो जो हैं अभी राइट नो वो ऑफर दीज टू थिंग्स, और ये बेसिकली वो वाली चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो समझ लें कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी हैं. इनमें से अगर एक भी चीज़ एबसेंट है तो कोई भी बच्चा जो है कम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर सकता. नंबर वन यानी कि उसकी आइडियाज़ की मेजोरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, एंड नंबर टू उस मेजोरिटी को क्या वो राइटिंग्स के अंदर जो है एग्जामिनर तक कन्वे कर सकता है. अगर तो उसके पास ये एबिलिटी है तो वो एग्जामिनर तक कन्वे कर पाएगा और अल्टीमेटली वो एलोकेट हो जाएगा, लेकिन अगर उसके पास इन दोनों में से एक भी एबिलिटी मिस है तो इट्स इम्पॉसिबल जो है कि वो एग्जाम जो है कंप्यूटर एग्जाम में एलोकेशन उसकी हो सकती है. तो इन दोनों चीज़ों को लेकर हमने ये दो जो चीज़ें हैं इन दोनों की आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग अपना जो है इसके साथ जो है कनेक्ट करें, मैसेज करें इसके ऊपर, तो वो आपको रिप्लाई देते हैं और उसके मुताबिक आप इसमें से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. और ये कंपल्सरी नहीं है आप दोनों में से करवाएं, जिसको आप मुनासिब समझते हैं कि अगर आप समझते हैं कि मेरे जो है आर्गुमेंट बिल्डिंग बहुत अच्छी है सो यू कैन गो टूवर्ड्स राइटिंग प्रैक्टिस, और अगर आप समझते हैं कि नहीं अभी ज़रूरत है तो इसकी तरफ जाएं,
दोनों को आप इकट्ठा भी ले सकते हैं। तो राइट नो ये बहुत सोच समझ के आपके लिए, और इसमें यह भी देखा गया है कि ये मिनिमम जो हम लोग कर सकते थे, इसमें कोई अर्निंग नहीं है, मिनिमम जो प्राइस है इसकी वो वाली है, एंड वो आप रिलेट भी कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ। सो जी क्या है टुडे लेक्चर के अंदर, पीडीएफ लिंक जो है न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। इसके हम लोग 3 चैप्टर्स बना देंगे इस लेक्चर के। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये रही लिस्ट करंट ग्लोबल इश्यूज की जो रनिंग में है, जैसे ही कोई नया आएगा इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुके हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है जी। ये करंट नेशनल इश्यूज के ऊपर आपकी लिस्ट है, और बींग अ पार्ट ऑफ आवर टीम ये जो है आप लोगों ने काम करना है, एंड कमेंट्स करके आपने लेक्चर के बारे में फीडबैक अपना जरूर जो है वो देना है। सो व्हाट इज फर्स्ट एडिटोरियल? फर्स्ट एडिटोरियल के अंदर है नॉकआउट पंच। पंच जो आपको पता मुक्का मारने को कहते हैं, नॉकआउट स्पोर्ट्स के अंदर अक्सर यूज किया जाता है नॉकआउट, यानी कि बिल्कुल वो वाला पंच जिससे बिल्कुल अगला हार जाता है। तो इसके अंदर वो क्या जो है डिस्कस करना चाह रहा है, बेसिकली इसके अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात होगी। पहले मैं सारे को डिस्कस करूंगा और आपको एक स्टोरी की शक्ल में ये डाटा जो है एलैबोरेट करूंगा, एंड देन आई मूव टूवर्ड आपके पेपर की तरफ कि पेपर परस्पेक्टिव में ये जो डाटा है इसको हम कहाँ पर फिट कर सकते हैं और कहाँ पर हमारा जो है ये काम आ सकता है। और मेरी जो ज़्यादातर अप्रोच होती है, कोशिश होती है ऐसे के ऊपर, क्योंकि ऐसे एक डिफाइनिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो मेरी ज़्यादा जो होती है कोशिश कि आपको ऐसे के बारे में चीज़ें प्रोवाइड की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका काम क्या है? उसका बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए, ये है उसका काम। और जब वो अपना काम जो है ये ईमानदारी के साथ कर लेता है ये वाला, तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल्स करती है, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये दो काम आप कह लें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये होगा तो ये होगा, तो ये है इनका आपस में लीक। अब वो कहता ये है कि पीटीआई जो है उसकी जो बिग गन्स हैं, यानी कि बड़े जो लोग हैं, जो जैसे शाह महमूद कुरैशी है, जो बड़े सियासतदान हैं उनकी पीटीआई के, और इसके अलावा जो दूसरी कुछ एक दो पार्टीज हैं उनके भी, तो उनको अलो नहीं किया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, उनको अलो नहीं कर रहा कि वो इलेक्शंस के अंदर रन कर सके, यानी कि उन्होंने जो नॉमिनेशंस पेपर वगैरह जमा करवाए हैं उसके ऊपर रिजेक्शंस आ रही हैं मुख्तलिफ किस्म की। और आगे वो कहता है कि ये सारे का सारा काम मई 9 की जो एपिसोड हुई थी उसके बाद जो है क्रैक डाउन पीटीआई वालों का शुरू हो चुका था, और इस वजह से भी है। और यहाँ पर बेसिकली वो ये बात करना चाहता है कि क्या हो रहा है कि पीटीआई के खिलाफ एक ऐसा क्रैक डाउन शुरू हो चुका है, और उस क्रैक डाउन की वजह से हर स्टेप के ऊपर जो है पीटीआई व गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। और वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्या है, अल्टीमेटली वो जो है सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम से क्या होगा कि डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर सकेगी पाकिस्तान के अंदर। इसी चीज को वो एक्सप्लेन करता है हिस्ट्री को लेकर, कहता है हिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने भी जो है वरात कहते हैं दुश्मनी वगैरह को, उसने भी जो है फेस की थी दुश्मनी किसकी, जनरल ज़िया की, जब उसने मार्शल लॉ लगा दिया था, ठीक है। लेकिन कहता उसके बाद फिर क्या हुआ, वो वापस आए और उन्होंने 3 गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर बनाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करता है तो कहता है वो भी जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर उनको भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में वापस आए 2013 के अंदर वो पावर में आए। इसी तरह वो पीटीआई की बात करता है कि उसने जो है उसने भी काफी सिग्निफिकेंट वोट बैंक जो है प्रीवियसली जो है लिया था, लेकिन अब वो कहता है क्योंकि इनका क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन अब इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेफ्ट टू द पीपल्स कोर्ट, कि लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो फैसला करें कि क्या वाकई पीटीआई को वापस आना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर या नहीं। तो ये 3 चीजें, वो 3 जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर देता है, हिस्ट्री में एक्सप्लेन करता है। अब इस चीज को कैसे पेपर के साथ कैसे लिंक डाउन करना है ये मैं एंड पे बताता हूँ। आगे कहते हैं कि इट शुड नॉट बी द जॉब ऑफ द अनइलेक्टेड फोर्सेस टू पनिश पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप लोग गौर कर लें कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसने पहले तो बताया पीटीआई का, और उसके बाद उसने हिस्ट्री की एग्जांपल दी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ क्या हुआ, तो अब वो कहता है पीटीआई के साथ हो रहा है। तो कहता है ये जो सारा काम ऊपर वाला हुआ था या हो रहा है,
तो ये क्या है, ये जॉब नहीं होनी चाहिए अनइलेक्टेड फोर्सेस की कि वो पनिश करें पॉलिटिकल पार्टीज को। अब अनइलेक्टेड फोर्सेस से मुराद क्या है, बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट वो करना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है, अनइलेक्टेड फोर्सेस के जो लोगों के वोट से सिलेक्ट नहीं होते, तो उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करें, पनिश करें, उनको सजा दें, इस तरह से उनका क्रैकडाउन करें। आगे वो कहता है कि अभी भी टाइम है टू रिवर्स कोर्स, के आप इसको जो है रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, कहता जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स है ना वो अपील कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स के पास जा सकते हैं, और अभी ट्रिब्यूनल्स के पास भी टाइम है कि वो 10 जनवरी तक जो है इनके जो केसेस है उनका फैसला कर दें। और ट्रिब्यूनल को वो कहता है कि वो क्या करें, मेरिट के ऊपर फैसला करें। अब इस सारे मामले को लेकर वो कहता है ये क्या है, प्री पोलिंग रिगिंग है। प्री पोलिंग रिगिंग बेसिक कहते हैं धांधली को। और प्री पोल, प्री जैसे प्री इंजीनियरिंग आप करते हैं कि प्री जो है प्री पहले, प्री का मतलब होता है पहले किसी चीज से पहले, तो प्री पोल पोल से पहले, रिगिंग धांधली। तो ये सारा जो मामला हो रहे हैं कि अभी इलेक्शंस नहीं हुए, तो ये इसको आप कहते हैं प्री पोल रिगिंग, इलेक्शंस होने से पहले ही रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो कहता है इससे होगा क्या, इससे ये हो रहा है कि इट विल हर्ट द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शंस। तो ये जो लीगल इलेक्शंस की जो लेजिटिमेसी है ना, जो लीगैलिटी है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, ये हर्ट करेगा, और बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर देंगे इसको, क्योंकि बहुत सारे इस प्रोसेस को, सच एज द प्रोसेस एंड स्टे एट होम ऑन पोलिंग डे, ये नहीं कि जब आप पीटीआई का क्रैक कर रहे हैं इस मुख्तलिफ तरीकों के साथ, तो वो लोग जो पीटीआई को वोट देना चाहते हैं तो वो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि वो वोट देने नहीं आएंगे, ठीक है, और वो रिजेक्ट कर देंगे जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में आएगी। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्री पोल रिगिंग की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीजें वो क्या करता है, इस एडिटोरियल के अंदर एनालिसिस करता है। अब आ जाते हैं हम पेपर पर्सपेक्टिव की तरफ। अब यहां से पर आपने एक ही चीज देखी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका काम क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये काम तो उसने करना था, लेकिन उसके साथ साथ जो पीटीआई का क्रैकडाउन है उसके अंदर भी वो मुख्तलिफ तरीकों से इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो अपना रोल सही तरीके से फुलफिल नहीं कर सक कर रहा। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी ना पाकिस्तान में, इसको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी क्यों प्रवेल नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपना रोल जो है वो सही तरीके से अदा नहीं कर रहा। और क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वीक बॉडी, कमजोर बॉडी है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि वो क्या है, अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा है। और इट इज यही वजह है कि पाकिस्तान में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है, और उससे इस यानी कि पाकिस्तान में रिगिंग होती है इलेक्शंस के अंदर, धांधली होती है, जैसे प्री पोल रिगिंग अभी उसने मेंशन किया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है ये, और जैसे वो अभी बताता था उसने मेंशन भी, अभी आप वहां पर पेपर में ये मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि एक कमजोर बॉडी है, इसको इस्तेमाल करते हुए जो अनइलेक्टेड फोर्सेस हैं वो पनिश करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान के अंदर। यहां पर बेहतर है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है खास तौर पर ऐसे के अंदर उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप जो है जस्ट जो है एक जर्नल जो नाम दे दें पॉलिटिकल पार्टीज, वहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं आप, जो स्पेसिफिकली पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो ना कहें। आप बस यही करें कि हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है कि जो अनइलेक्टेड फोर्सेस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कमजोर बॉडी होने की वजह से वो क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की हैं उनको क्या करती हैं, पनिश करती हैं। एंड दैट इज द रीजन कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस लेवल पर जो है ग्रो नहीं कर पाई, एंड इट इज अल्टीमेटली डायरेक्टली हिट किसको करता है, ये डेमोक्रेसी। तो बाय दिस वे आप लोग इसको डेमोक्रेसी के चैप्टर के अंदर बता सकते हैं कि जो हर्डल्स हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को, उनमें से एक ये भी है। हाँ, अब डेमोक्रेसी को बेहतर बनाना है तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया जाए, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि जो ये अनइलेक्टेड फोर्सेस हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। तो
तो उससे क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की, उसको फुलफिल कर सकेगा और अल्टीमेटली जो है रियल और जो वोट लेकर जो लोगों से लोग आएंगे लीडरशिप के अंदर, तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर प्रवेल करेगी। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, आप इसको इकोनॉमी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। ऐसी इकोनॉमी के साथ आप इसको कैसे लिंक कर सकते हैं? इकोनॉमी के साथ आप इसको इस तरह लिंक कर सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो लिंक होती है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। किसी मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो मुल्क जो है इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी वो स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कैसे आती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब इसको आप रिवर्स करें, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता है तो क्या होगा? फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी यानी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या कर सकेगी? फैसले कर सकेगी इकोनॉमी के, और वो इकोनॉमी के फैसले क्या कर सकेगी? जैसे अभी IMF के साथ आपने एक लॉन्ग पैकेज लेना है बड़ा सा, वो IMF उनको दे सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो इकोनॉमी की पॉलिसीज हैं वो बना सकते हैं वो, तो जस्ट लाइक दिस कॉन्फिडेंस के साथ वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने पिछले प्रीवियस डेज के अंदर भी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने अभी जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक आया है पॉलिसी रिवर्सल ये है कि अपनी पॉलिसियों से फिर जाना, बैक हो जाना। तो कहता है कि पाकिस्तान में ये हिस्ट्री में भी ये हुआ है कि जब इसको इसकी इकोनॉमी खराब होती है तो ये हमारे पास आते हैं, हम इसको पॉलिसी देते हैं, ये उन पॉलिसी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होती है तो ये क्या करते हैं? उसका रिवर्स कर देते हैं, हमारी पॉलिसीज को मानते नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? पाकिस्तान की दोबारा से इकोनॉमी खराब हो जाती है। अब वो मानते क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके बिजनेसमैन क्लास है, जो टाइकून्स हैं, अलीट क्लास है, वो इनको प्रेशराइज करती है पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, और उनको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वो उन पॉलिसीज को रिवर्स करें। रिवर्स क्यों करें? ताकि वो जो बिजनेसमैन क्लास है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्सेस हैं उसकी उनको छूट दी जाए, उनको सब्सिडीज दी जाए मुख्तलिफ किस्म की, तो जो कि वर्ल्ड बैंक या IMF अलो नहीं करता। तो वो क्यों, ये अब ये सियासतदान क्यों मान जाते हैं? क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है, वीक ये पार्टिसिपेशन लेके आ, वीक यानी कि होते हैं ना थोड़े थोड़े, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट के साथ ये आते हैं। तो इस तरह से यानी कि आप ये चीजें जो है इनको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो राइट दिस, आपने देख लिया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वीक रोल अदा करता है तो इकोनॉमी के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है, डेमोक्रेसी के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है। तो लाइक दिस आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है अनहेयर्ड क्राइस। अनहेयर्ड जो सुनी ना जा सके, क्राइस चीखें वगैरह आप कह सकते हैं। अब यहां पर वो बात करता है बलोच प्रोटेस्टर्स की जो कि इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अब कहता है स्टेट ने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया। कहता है कि थोड़े दिन पहले ये जो है ना इस्लामाबाद की तरफ जो है ना जब निकले थे ना प्रीवियस डेज के अंदर, जब इन्होंने मार्च शुरू किया था, तो रास्ते में इनके ऊपर क्या इनका क्या किया था, क्रैक डाउन किया गया था, फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, पुलिस वगैरह को। तो उन्होंने क्या किया था, इनमें से कईयों को उठाकर जो है गैप कर दिया, कईयों को उठाकर वापस उनके जिलों में भेज दिया। अब जो है अगर इनने कहता कि किसी भी डेमोक्रेट, ये है बेसिकली स्टोरी प्रोटेस्ट की। ठीक है, तो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आगे वो कहता है कि डेमोक्रेटिक स्टेट कोई भी हो तो वहां पर जो है ना कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट जो होता है ना वो सिटीजन का क्या होता है, राइट होता है कि अगर उनको कुछ तकलीफ है तो वो बाहर निकल के अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये उन सिटीजन का क्या है, राइट है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। तो क्योंकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है तो ये भी उनका भी राइट है। ठीक है, लेकिन कहता है कि इन अब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों पागल है क्या वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतनी सर्दी के अंदर, औरतें बच्चे वगैरह जो भी। तो वो कहता है ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो मेन चीजें, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जो कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जैसे बलोच बाचा इस किस्म का नाम था, ठीक है, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, सिटी वालों ने उसका इनकाउंटर किया, लेकिन उनकी फैमिलीज ने ये कहा कि जनाब ये आपने इनकाउंटर कैसे आप इसको कह सकते हैं, कई दिनों से तो वो आपकी कस्टडी में था, तो आप लोगों ने उसकी क्या की है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है।
ठीक है, लिहाजा उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फैमिलीज ने डिमांड की गवर्नमेंट स्टेट से कि यूएनओ से इन्वेस्टिगेशन करवाकर हमको दें और जो उन्होंने ये काम किया है उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। लेकिन स्टेट ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। देन दे मूव टूवर्ड्स इस्लामाबाद। तो फिर उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो पुराने केसेस भी थे जो कई डिकेड से चल रहे थे, कई सालों से चल रहे थे, तो वो भी साथ सारे मिलते गए और ये फिर आगे इस्लामाबाद की तरफ इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। इन दो चीजों की वजह से, इनफोर्स डिसअपीयरेंस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये दोनों टर्म्स आपने याद कर लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से आपने लिखनी है। आगे वो कहता है कि ये तो था सूरत हाल, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, एक कमीशन की रिपोर्ट है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ इनफोर्स डिपीडेंस डिसअपीयरेंस, वो रिसीव क्या करती है कि 9,967 केसेस हैं अगस्त 2023 तक। इतने केसेस हैं किसके, इन इनफोर्स डिसअपीयरेंस के और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के, और इनमें से 2,708 जो हैं वो कहाँ से हैं, सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान से हैं। टोटल 9,967 केसेस हैं कि लोगों को, लोग गुम हो चुके हैं जी, पता ही नहीं है कहाँ चले गए, ठीक है। कहता है अब इतने बलूचिस्तान से है तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, एक डायर सिचुएशन है दैट द स्टेट कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू इग्नोर। अब स्टेट को इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब स्टेट क्या करती है, ये शुरू से स्टेट ये करती है कि जब भी किसी ने प्रोटेस्ट किया उसका जो है क्रैक डाउन शुरू कर दिया, ठीक है। अब स्टेट का रिस्पॉन्स क्या रहा है शुरू से जी, पहले तो ये था, लेकिन अब क्या है, कहता है कि अब स्टेट को क्या करना चाहिए, इंगेजमेंट करनी चाहिए, मिलना चाहिए इन लोगों के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए, ना कि उनको सप्रेशन करना चाहिए, ना कि उनको दबा दे, इनका उनका क्रैक डाउन कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, इंगेजमेंट करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इनमें से ज्यादातर यंग लोग हैं और वो एजुकेटेड भी हैं, स्पेशली वो कहता है मिडिल क्लास से तल्लक रखने वाली यंग एजुकेटेड वुमेन इसके अंदर शामिल है। तो मिडिल क्लास के ज्यादातर ये लोग हैं जिसमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, और ये सारे यंग भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। तो लिहाजा स्टेट जो अपने पुराने तरीके इस्तेमाल करती थी ना सप्रेशन के, उनको उसको छोड़ देना चाहिए और इनके साथ क्या करनी चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए, उनके मसले को सुनना चाहिए और क्या उनके साथ जो है एक एक सही तरीके से, यानी कि इसको डील करना चाहिए, ना कि उनको सप्रेशन करना चाहिए। साथ साथ वो कहता है कि जुडिशरी को भी अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए, और साथ साथ वो एंड वो कहता है कि द स्टेट मस्ट टेक स्टेप्स, स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन इंस्टीट्यूशन, कि जो भी अदारे इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर शामिल है, बेशक वो आर्मी है, बेशक वो पुलिस है, बेशक वो FIA है, IB है, रा है, या कोई भी है, ठीक है, ये तो चलो फॉरन हो जाती है, ये पाकिस्तान की है, तो इनमें से कोई भी है या इसके अलावा भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर है, ठीक है, उसका क्या करना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इसको क्या करना चाहिए कि स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए कि ताकि वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कर सके इंस्टीट्यूशन के अंदर। इनमें से अगर कोई भी इन्वॉल्व है और जो बंदे इन्वॉल्व हैं, जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए और उनको सजा दी जाए ताकि नेक्स्ट जो है वो कानून अपने हाथ में ना ले। तो ये सारा काम होना चाहिए। सो इस अब आ जाते हैं पेपर पर्सपेक्टिव की तरफ। पेपर में क्या है जी इसका बारे में, पेपर में जी ये है, अब देखें जी ह्यूमन राइट्स की हो रही है वायलेशन, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, ठीक है, और एक तो था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वर्ड उसने यूज किया, ठीक है, और साथ में इनफोर्स डिसअपीयरेंस, ये दो बड़ी चीजें हैं। अब ये दोनों क्या है, ह्यूमन राइट्स की क्या है, वायलेशन है। इसके लिए लोग आए, प्रोटेस्ट लोगों ने किया। अब प्रोटेस्ट के बाद अगर तो स्टेट उनको बैठाती है, उनके साथ बात करती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेट जो है पुराना काम करती है, उनके ऊपर ही क्रैक डाउन शुरू कर देती है, पुलिस वालों कहती है इनको उठा के गैप कर दो, कुछ को गैप कर दो, कुछ को जिलों में छोड़ दो, तो नेगेटिव मतलब बात करने का यह है कि स्टेट देती है नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब जब स्टेट नेगेटिव रिस्पॉन्स देगी और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी तो फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली लोग तंग हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो फिर लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, लोग ऐसी स्टेट चाहेंगे जहां पर उनके राइट्स की वायलेशन ना हो, ऐसी टेरिटरी चाहेंगे। तो ये मूव करेगा फिर नेशनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ। डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन होना टूट जाना, तो नेशनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। और
फिर इसको आप लिंक कर सकते हैं इसी कंसेप्ट को कि जब ये नेचुरल डिसइंटीग्रेशन की तरफ मूव करेगा, लोगों के इस तरह से होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो ये जो लोग जो तंग बैठे हैं, इनको जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टीटीपी वाले हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे। फॉरेन एक्टर्स हैं जैसे रॉ है, तो वो ये सारे क्या करेंगे, इन लोगों की इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बाद जब स्टेट इनकी बात नहीं सुनेगी, ये स्टेट से तंग होंगे, तो ये जो रॉ वाले हैं, टीटीपी वाले हैं या फॉरेन एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो इनको यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे कि इनकी जो इनके साथ ज्यादती हुई है उसका वो फायदा उठाएंगे, और फिर क्या होगा, स्टेट के अंदर जैसे टेररिज्म की वेव चल रही है, ठीक है, वो और होगी ज्यादा। रा की एक्टिविटीज जैसे पहले ऐसी, आप एग्जाम्पल आपके सामने है, बांग्लादेश हमसे टूट कर अलहदा हो गया, यही रीजन थी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी, दबा कर रख रहे थे, नहीं रहे, चले गए, ठीक है। तो इनको भी अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर ये मसला ज्यादा बढ़ेगा, एक तो चीज ये हो। दूसरा ये है कि जब इस तरह की सूरतयाल होगी, जब ये रॉ एक्टिव हो जाती है या टीटीपी एक्टिव हो जाती है, तो आए दिन आपके टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपके वक्त का जो मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी की इन्वायरमेंट पैदा हो जाएगी, यानी कि एबसेंस ऑफ पीस, पीस नहीं रहेगा। जब पीस नहीं रहेगा तो कोई भी बंदा बाहर के मुल्क से आकर आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन इनसिक्योर जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो करेगा तो मतलब कि आपके पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो जो आपके ये सी पैक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी अल्टीमेटली इनके ऊपर भी, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस जैसे और प्रोजेक्ट भी नहीं लगेंगे। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो आप चीजें नहीं बना सकेंगे, जब आप चीजें नहीं बना सकेंगे क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो लो हो जाएगी, जब आपकी एक्सपोर्ट लो हो जाएगी तो फिर आपकी इम्पोर्ट हाई हो जाएगी, अल्टीमेटली आपको वो चीजें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी। जब आपकी इम्पोर्ट हाई हो जाएगी तो आपके पास जो डॉलर थोड़ा बहुत है, वो रिजर्व जो है, वो फिर आप इम्पोर्ट में इस्तेमाल कर लेंगे और वो लो हो जाएंगे। जब वो लो हो जाएंगे तो आपको फिर IMF के पास जाना पड़ेगा कर्जा लेने के लिए, या दूसरे जो लैंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट प्रो अपना है, एशियन बैंक है, तो जिसके बैंक से फॉरन लैंडर्स हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, उनसे आप उधार लेंगे, ठीक है। जब इनसे आप उधार लेंगे तो फिर आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की, क्योंकि जब आप उधार पे चल रहे हैं तो आपकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। जब आपकी इंडिपेंडेंस नहीं है तो मतलब कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमी की पॉलिसीज, आपकी पॉलिटिकल डोमेन की पॉलिसीज, इन सब को कौन कंट्रोल करेगा, जो आपको डॉलर देगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये पाकिस्तान के ऊपर क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर और पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर। तो ये सारे के सारे बेसिकली चीजें इंटरलिंक करती हैं, और इसी तरह से आपके जो आइडियाज हैं इंशाल्लाह मच्योर होते जाएंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, एंड और ये इतनी दफा रिवाइज होती हैं, इतनी दफा रिवाइज होंगी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं चीजें यही हैं, और इतनी दफा रिवाइज होंगी कि इंशाल्लाह आपको ये जुबानें याद हो जाएंगी। और दूसरा जहर है, अब आपने इसको पेपर के ऊपर इस आइडियाज को कैसे डालना है, वो वाली इंग्लिश के अंदर जो वाकई ही इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके लिए आपको राइटिंग की जरूरत है, और उसके लिए ही हमने ये दूसरा सेशन शुरू किया जिसके अंदर सिर्फ राइटिंग एवेल्यूएशन ही होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आ जाता है लॉ लेसिटी, आपका थर्ड ओपिनियन जो है, लॉ लेस जिसमें लॉ नहीं है, ठीक है, सिटी शहर, बात किसकी करता है, कराची की, करता है, क्राइम बहुत ज्यादा है कराची में, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, कराची का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, उसके जो मेंबर्स हैं ना, वो जाकर मिलते हैं सिटी पुलिस चीफ को, और वहां पर वो अपने कंसर्न्स को शो कराते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं ये चीजें कि यार कराची में अंदर क्राइम बहुत ज्यादा है, चीफ को कहते हैं, जैसे हमारा IGP है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उधर का जो पुलिस चीफ है उसके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर ज्यादातर बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनकी जो है मेंबर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की जिनकी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो ये इसके मेंबर्स होते हैं। तो उन्होंने उससे डिस्कस किया कि यार ये क्राइम बहुत ज्यादा है, फिर वो आगे बताता है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके, जैसे कि कन्विक्शन रेट लो है, सजा बहुत कम मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, एजुकेशन की कमी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें कहता है, कुछ कुछ ये चीजें हैं जिसकी वजह से क्राइम रेट हाई है। आगे वो कहते हैं ये वाले जो हैं, ये उसको बताते हैं कि भाई इसका जो अफेक्ट्स है ना,
वो इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट के ऊपर बड़े ज्यादा पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि किडनैपिंग जो है एंड रैंसम बहुत ज्यादा हो गई है, अगवा बराए तमान से बोला जाता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो गया है, टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा हो गई है और एक्सटोर्शन बहुत ज्यादा हो गई है। तो इस जैसी एनवायरमेंट के अंदर कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करता। जिस इलाके में ये चीजें होती हैं उस इलाके में बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करते, लिहाजा जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट के ऊपर। अब ये कौन बता रहे हैं, कराची का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के मेंबर किसको बता रहे हैं, पुलिस वाले को, यार इसका कुछ करो, ये इतना ज्यादा हो गया है, इससे फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होगी। आगे वो बताता है एडिटोरियल वाला, वो कहता है कि इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस जो है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, तीन को वो हाईलाइट करता है, पुलिस, जुडिशरी और जेल। कहता है कि इनको अगर छोटे छोटे काम से आप छोटी छोटी स्ट्रेटजी से पुलिस को, जुडिशरी को और जेल को, ये तीनों जहर है, पुलिस पकड़ती है, जुडिशरी वाले मुकदमे को चलाते हैं, सजा देते हैं, फिर वो जेल में जाता है, वहां पर अपनी सजा काट के फिर वो बाहर आ जाता है सोसाइटी के अंदर। अब जिन तीनों के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स है ना, तो वो कहता है कि छोटे छोटे शॉर्ट साइटेड जो स्ट्रेटजीज हैं उनसे काम नहीं चलने वाला, तो आपको चाहिए लॉन्ग लास्टिंग क्राइम कंट्रोल सॉल्यूशंस, आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी इन तीनों कंपोनेंट्स के अंदर, जिसके अंदर पुलिस जो है वो क्या करे, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, जुडिशरी उसको सजा दे टाइम के साथ, और जेल वाले भी उसको जेल में उसकी सजा बरकरार रखे, ना कि वो जेल का जो आपको पता ही है जो इन्वायरमेंट है कि वहां पर जो अच्छा भला बेगुनाह जाके वो गुनाहगार हो जाता है, ठीक है। तो वो कहता है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ना वो जो है सोल्यूशन चाहिए, लंबे लेवल को हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, फिर जाकर ये मामला जो है हल होंगे। और वो कहता है सिर्फ पेट्रोलिंग करने से और सीसीटीवी कैमराज लगा देने से काम नहीं चलने वाला, और ना ही ये जो पुलिस इनकाउंटर करती है, वो कहता है पुलिस इनकाउंटर उतने ही इनफेक्टिव होते हैं जितने ये इलीगल होते हैं, ठीक है। तो कहता है इन कामों से काम नहीं चलने वाला, और एक बड़ी बात वो ये कहता है कि जो सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज है ना हमारी सोसाइटी की, उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि उसने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसे होगी, एजुकेशन होगी और रिकॉर्ड इन्फ्लेशन होगी, अब इनकी वजह से भी क्या है क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो कहता है लिहाजा ये जो सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज है ना इनके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। और ये रहा, इसके अंदर ये यही चीजें डिस्कस करता है, और यहाँ पर आपने देखा किस तरह से उसने इसको लिंक किया है इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के साथ। हालांकि छोटे लेवल पे ऊपर क्राइम रेट कराची के अंदर क्राइम था, लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह हमने बलोच के अंदर डिस्कस किया, ठीक है, किस तरह से वो जो है बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम बांट सकती है। अब इस एडिटोरियल को अगर मैं पेपर पर्सपेक्टिव में ले जाऊं, तो हाई क्राइम रेट से क्या है इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट जो है वो हिट होगी, नेशनल लेवल के ऊपर भी जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे। और नेशनल लेवल पे आपने देखा कि अक्सर जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है वो दुबई वगैरह चले जाते हैं या दूसरे कंट्रीज के अंदर जाकर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। तो ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को भी ये क्राइम फ्री होना पड़ेगा, देन जो है आपके नेशनल लेवल के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। जब ये चांस होंगे तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर वो पॉजिटिव होगा, अगर इन्वेस्टमेंट होगी। अगर नहीं आएगी, क्राइम रेट हाई रहेगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के अंदर। और इसका अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पीछे उसने डिस्कस किया, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या, आप लोगों को रोजगार दें, एजुकेशन दें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, और जो बंदा भी क्राइम करता है उसको सजा दें। तो जब इस तरह के आप काम करेंगे तो फिर क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही इसका सोल्यूशन है, फिर इससे क्या होगा, सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। सो जी, ये था आपका टू डे लेक्चर, जिसके अंदर हमने एडिटोरियल्स को जो है उनका एनालिसिस किया विद प्रैक्टिस पे। इन द सेम फैशन जो है इंशाल्लाह ओपिनियंस को भी एनालिसिस करेंगे, बट फॉर दिस यू नीड रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो नंबर है ऊपर हमने शेयर कर दिया उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हैव अ नाइस डे जी, और थैंक यू वेरी मच, दुआओं के अंदर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।